नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना स्वागत करते हूं आज के इस ब्लॉग में। आज हमारा पहला दिन लेंसडाउन में। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, हमने सुबह माता ज्वालपा देवी के दर्शन किए थे और अब हम यहां से निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन लेंसडाउन में। हमारा पहला दिन लेंसडाउन में सुबह माता के दर्शन करके शुरू हुआ। ये हमारा रूम है। 650 रुपीज चार्जेस दिया, नॉर्मली 550 है। देखो वाटर यहाँ पे गीजर भी लगा है, टॉयलेट भी है। और इन्होंने वैसे दो लोगों का 550 है और थर्ड पर्सन एक्स्ट्रा है तो उन्होंने 100 रुपीज चार्जेस, तो 650 हमने इस रूम का दिया है। आप देख सकते हैं रूम बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर रूम है, एकदम हवादार है। एक छोटी सी अलमीरा और दे रखी है हमें यहाँ पे, इसमें अपना सामान रख सकते हैं। अगर आपको भी चाहिए तो मैं आपको उसमें नंबर शेयर कर दूंगी, आप इसको बुक करा सकते हैं इसमें। चलो हम जा रहे हैं लंच के लिए। कल से हमने कुछ भी नहीं खाया, हम सारे बहुत भूखे हैं और सारे रस से तबीयत खराब, वॉमिट करते जा रहे हैं। सारे खाना खाने जा रहे हैं, धूप बहुत तेज हो गई है। अब हम सारी फ्रेंड्स लंच के लिए आए हैं मयूर रेस्टोरेंट में और यहाँ पे हम सब ने लंच किया। मयूर रेस्टोरेंट में प्राइसेस बहुत रीजनेबल है और सबसे बड़ी बात क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप लंच लेना ना हो तो एक बार मयूर रेस्टोरेंट ज़रूर विजिट करना। लंच करके हम लोग रूम पे आए और हमने यहाँ पे रेस्ट किया और फिर शाम को हम निकल पड़े दोबारा से रेडी होके कालेश्वर मंदिर के लिए। ये हमारी टी स्टॉल, हमने चाय पी। ये अंकल जी, इन्होंने बहुत अच्छी चाय बनाई है हमारे लिए, बिल्कुल मीठा भी, फर्स्ट क्लास बिल्कुल। हेलो मोनिका मैम, चाय अच्छी लगी? हम लोग फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा, अच्छा लगा। आप दोबारा आना चाहेंगे? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। हेलो, हफ्ते बाद आए, बोल रही है। शाम की चाय पीने के बाद हम लोग निकल गए कालेश्वर महादेव मंदिर दर्शन के लिए। अब हम यहाँ से जा रहे हैं कालेश्वर महादेव मंदिर। ये हमारी पूरी टीम रेडी होकर बिल्कुल रिफ्रेशिंग है, चाय पीकर चाय पिया और बिल्कुल एनर्जेटिक हो गए, फुल ऑफ एनर्जी। चलिए कालेश्वर महादेव मंदिर की तरफ जाते हुए शाम का नज़ारा। और अभी टाइम हो रहा है 7:07। अभी देखो उजाला है, हवा में थोड़ी सी ठंडक है, हल्की सी ठंडक है, गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं है। जून की तपतपाती गर्मी से राहत मिली हमें, यहाँ आके हमें नहीं लग रहा कि जून का टाइम चल रहा है। प्रकृति के बारे में जितना बोला जाए कम है, शब्द ही कम है। देख सकते हैं प्रकृति के नज़ारे। ये मंदिर है, आप देख सकते हैं वहाँ पे कालेश्वर महादेव मंदिर, प्राचीन मंदिर है ये। Thank you.
ये है नवग्रह मंदिर, कालेश्वर महादेव मंदिर आए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने नवग्रह मंदिर के दर्शन करे हैं। बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे केतु ग्रह, बीच में सूर्य भगवान है, वहाँ पे आपके शनि भगवान है, तो ये सब देख सकते हैं। प्राचीन शिवलिंग है, जितने भी यहाँ पे आप मंदिर देखोगे सारे के सारे प्राचीन हैं, पुरातन काल के बने हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो ये शिला है शिवलिंग का, ये भी आपको पुराना ही आपको नजर आ रहा है, कोई मतलब हैंडमेड नहीं है, ये प्राचीन शिला है जो बनी गई है और इस मंदिर की बहुत मान्यता है। महादेव का हम प्रसाणी महादेव हमारे लोग थके हुए वापस आते हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कालेश्वर मंदिर से दर्शन करने के बाद हम रात के खाने के लिए एक छोटे से होटल में आए। जब हम यहाँ पहुँचे तो देखा यहाँ पे अंकल जी अकेले थे और उनके साथ कोई हेल्पर भी नहीं था, तो उनकी हेल्प करने के लिए हम उनके साथ रोटियाँ बनाने लगे। डिनर रेडी कर रही हैं सबके लिए, चपातियाँ, कितनी रोटी कम से कम चाहिए होंगी? अब एक एक अंकल जी नौ लोग हैं, दो तीन दिन तो खाएंगे। हाँ हाँ, एक एक दो दो रोटी तो खाएंगे। डिनर का आनंद लेते हुए कैसे बनी मैडम खाना? कैसा बना? बहुत बढ़िया था, चल रोटियाँ ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि बनाई मैंने आप लोगों के लिए। प्यार आ रहा है ना बहुत टेस्टी बनी है। अच्छा मैडम, कहा तो लो मैडम, बिना देखाए भी आपने वैसे ज्यादा प्यार दिख रहा होगा आपको इसमें। इसमें मैम टपक खाना है घर जैसा सिंपल, बिल्कुल एक्सपीरियंस। मैडम आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा ट्रिप का ये बताओ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अलग ही एक वाइब्रेशन, अलग ही एक तरह की फीलिंग थी। आप दोबारा आना चाहेंगे यहाँ? दोबारा बनेगा तो जरूर आएंगे, कभी सोचा नहीं था कि बनेगा। रंजना मैडम की उससे हो गया ये इतना सक्सेस और इतना अरेंज हो गया सारा ट्रिप, बहुत ही अच्छा। बोलो रंजना मैडम के चैनल को सब्सक्राइब करो, रंजना मैडम के चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और कमेंट, चैनल का नाम बताओ? रंजना योगी ब्लॉग, रंजना योगी, गुड। यस मैम, सुमन सर आप बताइए। सब बढ़िया मैम, आपकी सहयोग से देखो रोटियां भी मिल गई हैं। देखा अंकल तो अकेले बेचारे कब तक बनाकर खिलाते हैं। नीला मैम आप बताइए। बहुत अच्छा मैडम, ये जो दाल है एकदम घर जैसी है, और अभी सब्जी आने वाली है, सलाद खीरा भी आने वाला है, घर जैसा होगा। और मैडम जो आपकी वजह से ये जो ट्रिप ऑर्गेनाइज हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, 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 आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ जी सेजल, कैसा रहा आपका लास्ट एग्जाम, उसके बाद ट्रिप, लंबा ट्रिप? बहुत अच्छा रहा, अभी खाना खा रहे। अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगर हम वो गाड़ी वाला हटा दे ज्वालमती से आए थे, वो छोड़ दो, उसको स्किप करो। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और पहली बार आई हूँ मैं पहाड़ों में, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, ठंडा ठंडा मौसम। कहते हैं ना वो जो रील्स आता ना कि माउंटेन्स आर कॉलिंग मी, पहाड़ मुझे बुला रहे हैं, ये वही चीज है। अब एक बार आए हो तो बार बार आपका आने का मन करेगा। यस आशा मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे आना, और मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ रंजना मैम को, जिन्होंने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं कहा, वो अपने आप बोला। थैंक्स निकल रहा है।
बाकी तो सब बहुत अच्छा लगा, पर वो चढ़ाई ही चढ़नी पड़ती है ना जो मैडम, वो आप पहाड़ों में आएंगे तो आपको उसका हैबिचुअल होना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे ही बाकी बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। यस प्रीति मैडम, आप बताइए बहुत ही बढ़िया, कहाँ से आप मिले मुझे, कहाँ मुलाकात हुई? मॉल ऑफ फरीदाबाद में मिले, अचानक से मेरा प्रोग्राम बना, आपने मुझसे कहा हम फिर बना रहे हैं, तो आज भी मैंने घर पर डिस्कस किया, डिस्कस करने का मुझे नहीं लगा था कि मैं आऊंगी ट्रिप पर, लेकिन फिर बाय चांस की बात है वो लकी थी मैं आ गई, और आई एम रियली एंजॉइंग माई ट्रिप। यस मैं तो मैं तो आती रहती थी, हम तो आते ही रहते। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ओके ओके। अब हम खाने का आनंद लेते हैं, हम भी खाते हैं। हाँ सैलेड भी हमने वो करवा दिया, राइस भी मंगवा देती, राइस बन गई। चलो ठीक है, ओके गाइस बाय। कहीं भी जाते हैं शॉपिंग का सामान ढूंढ ही लेते हैं, प्यारे प्यारे इयररिंग्स झुमके। अब हमारे सारे ट्रिप के मेंबर्स रात को घूमने निकले हैं तफरी मारने के लिए। देखो खाना वाना खा लिया, बाल मिठाई खा ली इन्होंने, स्वीट्स में कोल्ड ड्रिंक ले लिए है, रात को अब कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। हाँ नाइट वॉक भी निकले हैं, देखो घर में कभी नहीं निकलेंगे, लेंसी राउंड में आए हैं, लेकिन यहाँ का मजा ही आनंद ही कुछ और है। ये देखो यहाँ पे शॉप्स भी हैं आपका, फ्लेवर तड़का रेस्टोरेंट, और आपका वहाँ पे एक मयूर, ये गार्डन सा छोटा सा, स्वच्छ भारत स्पॉन्सर्ड बाय मयूर होटल, यहाँ का देख सकते हो आप पूरा व्यू। हमने दोपहर में लंच किया था, हाँ मयूर होटल में हमने लंच किया था, अभी आपको दिखा देते हैं। मयूर होटल भी बहुत अच्छा है, सब वैरायटी आपको मिलती है। यहाँ पे अभी भी देखो, आप देख सकते हो कितनी रौनक है, लोग यहाँ पे घूमने के लिए निकले, अभी भी हम ही नहीं निकले, काफी लोग हैं यहाँ पे क्योंकि पहाड़ों की एयर जो बिल्कुल फ्रेश है। सबसे बड़ी बात कि प्लेन्स में इस समय टेम्परेचर 45-46 डिग्री टेम्परेचर है, और यहाँ आके लोगों को राहत मिली है। अगर आपको सजेशन दिया जाए तो एक पीसफुल एरिया अगर आपको वेकेशन के लिए चाहिए, अपनी फैमिली के साथ आप आना चाहते हो, जो चमक धमक की लाइफ से दूर पीसफुल एरिया आपको अगर चाहिए तो यहाँ पे आप आ सकते हो फैमिली के साथ। देखो यहाँ आने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बस से भी आ सकते हैं, कोटद्वार आपका बस स्टेशन है, जो नियरेस्ट बस स्टेशन है कोटद्वार बस स्टैंड पे आप आ सकते हो, वहाँ से आपको लेंसी राउंड के लिए 1-1.5 घंटे का रास्ता है। आप यहाँ पे आके टैक्सी, यहाँ पे आपको टैक्सी मिल जाएगी वहाँ से कोटद्वार से लेंसी राउंड के लिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ पे आने के लिए, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, आप इजीली आ सकते हैं। खाना खा के हम अपने रूम में वापस आ गए, और यहाँ पे हम लोग बैठ के कल के लिए प्लानिंग करने लगे कि हमने कल कितने बजे उठना है और कौन कौन से पॉइंट्स को हमने कवर करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।